नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। उन्नाव में विस्फोट से घायल युवक की मौत। करनाईपुर गांव में पटाखा फैक्ट्री में हुआ था विस्फोट। उन्नाव के वारा सगबर थाना क्षेत्र के गांव करनाईपुर में 29 अगस्त को हुई आतिशबाजी। विस्फोट ने एक ही परिवार के कई सदस्यों की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। इस घटना में घायल सुनील पुत्र नन्हे की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। सुनील की मौत की खबर सुनते ही गांव में कोहराम मच गया और परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। बता दें कि 29 अगस्त को करनाईपुर निवासी सुनील का दो मंजिला मकान लालकुआ उच्च गांव मार्ग पर स्थित था। उस दिन घर में रखी आतिशबाजी अचानक विस्फोट कर गई, जिससे पूरा मकान मलबे में बदल गया। इस भयानक विस्फोट की चपेट में आने से सुनील की पत्नी बीना गंभीर रूप से घायल हो गई। मलबे के ढेर में दब जाने के कारण बीना को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। बीना की मौत से उनके तीन बच्चे प्रियांशु, मयंक और खुशी गहरे सदमे में आ गए थे। विस्फोट के बाद सुनील का इलाज संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में चल रहा था, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती गई और अंततः बुधवार की शाम सुनील की मौत हो गई। सुनील की मौत के साथ ही बच्चों की दुनिया और भी अंधेरी हो गई। बच्चों की मौत के बाद बच्चे अपनी माँ के बिना ही दुख भोग रहे थे और अब पिता की मौत की खबर से उनका दुख और बढ़ गया। तीनों बच्चे अब अपनी दादी सुंदरा और दादा भानु प्रसाद के पास कुतुबुद्दीन गड़ेवा में रह रहे हैं। इस दुर्घटना के बाद उनके मानसिक और भावनात्मक हालात बेहद खराब हो गए हैं। मृतक सुनील के परिवार का सदमा केवल उनके परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे गांव को छू गया है। गांव के लोगों ने सुनील और उनकी पत्नी की मौत पर शोक व्यक्त किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस घटना ने गांव में सबको गहरा झकझोर दिया है और लोगों ने मृतक परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।